कहीं से आजा, तड़पते मन को समझाने आजा। ओ दिन पे दिन बीता जाए अब तो किसी बहाने आजा, कहीं से आजा, आजा रे आजा, तड़पते मन को समझाने आजा। हर कोई हंसते मिले सनम से, देखा जाए नहीं रे हमसे। हो दिन पे दिन बीता जाए अब तो किसी बहाने आजा, कहीं से आजा, आजा रे आजा, तड़पते मन को समझाने आजा। लगाए मुँह से उनकी गोरी बहिया थमी नहीं जाए। वैसे तो मिलती है कितनी काजर लगाए मुँह से उनकी गोरी बहिया थमी नहीं जाए। जब तक ना तू घरवाला के जिया एक न माने आजा, कहीं से आजा, अरे आजा आजा, तड़पते मन को समझाने आजा। फिर भी पाई ना खबरिया, तेरी एक झलकी के लिए छानी हर नगरिया, खो बैठा मैं खुद को फिर भी पाई ना खबरिया। सोने की जवानियां माटी ना मिल जाए बचाने आजा, कहीं से आजा, अरे आजा रे आजा, तड़पते मन को समझाने आजा। दुनिया से टकरा के जनिया तोरा घूंघट खोलू लोहू में नहा के, तू मिल जाए तो फिर मैं तो दुनिया से टकरा के जनिया तोरा घूंघट खोलू लोहू में नहा के। कुछ कर डालो इससे पहले तू मुझको समझाने आजा, कहीं से आजा, अरे आजा रे आजा, तड़पते मन को समझाने आजा। हर कोई हंसती मिले सनम से, देखा जाए नहीं रे हमसे। हो दिन पे दिन बीता जाए अब तो किसी बहाने आजा, कहीं से आजा, अरे आजा रे आजा, तड़पते मन को समझाने आजा। डर गया ना? रात गए रास्ते में चुड़ैल लिपटेगी तो क्या डरूंगा नहीं? ये चुड़ैल ऐसे ही लिपटेगी। हाँ मंत्र से फूंक दूंगा तो देखू तेरा मंत्र चला। अरे रात बीच किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? तो चल मेरे घर, वहां कोई नहीं देखेगा। अरे यार तुझे हुआ क्या है रे? तेरी समझ में नहीं आता है क्या? रात को तेरे घर आया तो लोग बाग क्या कहेंगे? तो चल मैं तेरे घर चलती हूँ। अरे बावली हो गई है क्या? हाँ। अरे, अरे राम राम काका जी।
रिया द्वार खोल। आ गया लांडा, न दिन चैन न रात भर 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 बड़ा आया न चनिया कमनिया। अब घर क्यों आया है? क्या धुनपुरिया में सोने की जगह नहीं मिली क्या? तू अकेली थी इसी से चला है। भला पूछो, आधी रात को अकेला चला आ रहा है, कहीं रास्ते में भूत या चुड़ैल चिपक जाए तो फिर क्या होगा? एक चुड़ैल लिपटी थी वहाँ। चुड़ैल लिपटी थी? हाँ, अपनी सोमा हने नहीं देती थी, कहने लगी संग लेके चल। तो संग लेकर क्या आया होता, वो बेचारी अकेले रास्ता चलने से डरती होगी। नहीं, डर के कारण नहीं माँ, ऐसे ही। अरे तो ऐसा ही ले आया होता, उसमें हर्जा कैसा पड़ा? नहीं, गांव वाले जात के बाहर कर देंगे माँ। अरे भाड़ने गए गांव वाले ऐसी लंबी नाक वाले होते तो उसका ठिकाना कर देते, ऐसी गुजरिया के दिन बर्बाद न करते गांव वाले। तुझे ऐसी अच्छी लगती है वो बंदरिया? लगता है उसने जादू कर दिया तुझ पे। अरे जादू टोना तो लड़की के गुण से होता है पगले, लीपने पोतने काहने बनाने नाचने गाने, तू ही बता उसके जैसी कौन सी लड़की गांव में है? अगर जात मर्यादे का ध्यान न होता तो मैं तेरी सगाई उसी से कर देती। लेकिन वो लड़की का हाँ बिल्कुल मतानी है, देखती नहीं जैसे मोरनी जैसे छाती तुम के चलती है। तुझे ऐसे ही मोरनी तो सीधा करेगी। मुझे सीधा करने के लिए तू कम है भैया, लेकिन मैं ऐसी वैसी को तेरी बहू नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, तेरे लिए आकाश से अप्सरा उतर के आएगी। हाँ हाँ हाँ, अप्सरा ही उतर के आएगी, तू देख लेना। धान की बालियों सा हरियर शरीर, पलाश की पत्तियों से लाल लाल होंठ, कटहल के बीज से बड़ी बड़ी आंखें, कमल की नाल से नरम नरम हाथ और पांव। तू सो गई माँ? अरे सपनों में भी ऐसी किसी को नहीं मिलेगी। सब कुछ समझता है फिर भी नहीं समझता। निर्दय करो, पूरा बोझा तैयार कर दिया, ठीक से दाम लगा के बेचना। बस ये तो बहुत कम है, अब के बाजार से तो बहुत सामान लाना है। मेरी धोती, तेरी नई साड़ी, और मेरी मादल टूट गई है, मादल भी लानी है। तू अपनी मादल लेके आ, धोती लेके आ, मेरी साड़ी पीछे आएगी, फिकर ना कर। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, साल के त्योहार पर तू पुरानी साड़ी पहने और मैं नए कपड़े पहनूं? नहीं नहीं। हाँ, और सब्जियों को ना तोड़ना, धान पकने तक इन्हीं से घर चलाना है पागल। देख रही मैया, तू एक कहे या हजार, जिद करेगी तो मैं अपने कपड़े भी नहीं लाऊंगा। नहीं बेटा, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, औरत की शोभा घर की इज्जत से है। फिर मैं जिंदगी में बहुत खा पहन लिए, अब तेरे खाने पहनने के दिन है पागल, मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है। अरे मौसी, तेरी एक साड़ी से कितना धन बच जाएगा। चल कर्मो, कहने दे मौसी को, मौसी की साड़ी जरूर आएगी, तू अपने मांदल मत लाना। अरे आँख क्यों दिखाता रे, मैं तो बोलती थी साड़ी भी आएगी मांदल भी लाना। क्यों, तू बाजार नहीं जा रही है? जाने का मन तो नहीं था मौसी, मगर मैं ना गई तो ये अनाड़ी कुछ का कुछ ले आएगा। देखा माँ क्या लिया देती है चुड़ैल, मैं से अपने संग नहीं लेके जाऊंगा। अरे तेरे साथ जाता ही कौन है, तो खुद मेरे पीछे आएगा दुम हिलाता हुआ। ओ बंदरिया ठहर जा, लड़कियों पर हाथ उठाता है, बना फिरता है, बराबर वाले से पूछता तो बत्ती सी निकाल देता। अरे क्या दिखा, तू किधर? हमको बोला था पूरा बांध दिया, पूरा बांध दिया, अब चलो बाजार। तू चल उससे भी अच्छा है ये। दिखाएगा? ये बहुत अच्छा है ना? अच्छा है। नहीं नहीं और देखते, ये देख तो कैसा है। हाँ ये बहुत अच्छा है, तू ले ले। अरे क्या कर रही है तू? ले क्या कर रहे हैं, देख तो रहे हैं। अरे ले थोड़ी जाएंगे। अरे पैसा पास नहीं आ गई लेने वाली है? क्या बोला, पैसा नहीं हमारे पास, हम सारी दुकान खरीद सकते हैं। रास्ता ना अपना आ गए, क्या बोला, मैं दुकान का मालिक हूँ। हाँ
जा जा दूसरी दुकान ले, जवान आ गई है, जा यहाँ से। हाँ ये ये ले, अच्छा ये ले, वो अरे वो तो दो दो रुपए वाली। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अच्छा अरे अरे कहाँ चले रहे? पतार की दुकान समझे क्या? निकाल पैसे। हाँ छोड़ मेरा। पहले पैसे निकाल। ए बुली वाले छोड़ मेरा हाथ। जानी मेरा नाम छोड़ हमारे प्रेम नगर का हाथ। तो फिर तू ही दे दे पैसे। अरे किस बात के पैसे? अरे अरे उठ। अरे मूली खा गई, तुझे नहीं खा गई? क्या करता है? अबे ओ अंग्रेजी तोते। शट अप म्युनिसिपल दे। अबे ओ बाल्टी ठेवने। क्या करता है? चमार चमार। तो फिर ये चमार का हाथ। दो बहनों की लड़ाई में बच्चिया जैसी मारी जाएगी। पर वो ननकी। अरे ननकी को ना संभाल लेगा, चलेगा चल। जानी मेरा नाम। मैं तेरे नाम वारांड भेजूंगा, वारांड। जानी मेरा नाम। अरे साली धोती तो नहीं। मेरा नाम तीर्थु है। तीर्थु? हाँ। अब तू नखरा बगैरे बिना अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने गांव का नाम, अपने कुत्ते का नाम बता। काहे? अरे बताना फिर बताता हूँ। अच्छा देख, मेरा नाम मित्तल है। आहा, बड़ा मीठा नाम। अच्छा है। मेरे बाप का नाम रामू है। हे राम। मेरे गांव का नाम सुकर हट्टू है। हट्टू? आहा। और मेरे कुत्ते का नाम कुत्ता अभी तक मिला नहीं, ढूंढ रही हूँ। मुझे रख ले। छोड़ साहब, ये बता मुझे इधर काहे ले आया? देख, मैं इस धरती का राजा हूँ। राजा? हाँ, ये जो सारी जमीन है ना, ये सब मेरी है। सारी की सारी? हाँ, अरे सारी से भी ज्यादा सारी जमीन मेरी है। हाँ? और देख, वो दूध, वो गाय भैंस, वो भेड़ बकरी है ना, वो सब मेरे हैं। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई देती। शादी के बाद मैं तुझे चश्मा ले दूंगा, तुझे सब दिखाई देगा। ये सब तो ठीक है, पर दूध भी बहुत मिलता होगा तुझे। अरे बहुत मिलता है, मैं तुझे दोनों बखत दूध में नहलाऊंगा। दो बखत? ना बाबा ना, मैं तो एक ही बखत नहाती हूँ। वही बात है, एक बखत नहलाऊंगा। क्यों भैया, अच्छी सी मादल है? हाँ है मादल, ये लो। या नहीं नहीं, ये देखें। आ जाओ अच्छी। नहीं, ये ले लो, ये लो। आए, कितने की है मादल? 20 रुपया। 20? हाँ 20। हाँ हाँ, बजा बजा। अरे बजा दिखो, बजा दे। धूम 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 नकुम, धूम नकुम धूम धूम नकुम, धूम नकुम धूम धूम नकुम, धूम नकुम धूम धूम नकुम। मैं बजाऊं झूम के मादल, मैं बजाऊं झूम के मादल, ना टूटे संसार। धूम नकुम धूम धूम नकुम, धूम नकुम धूम धूम नकुम, झूम नकुम धूम धूम नकुम, झूम नकुम धूम धूम नकुम। पायलिया की तू है जो रानी, मादल का मैं राजा रे। पायलिया की तू है जो रानी, मादल का मैं राजा रे। अपने कमाल पे तो है गुमान है, सामने मेरे आ जा रे। आ जा छा गई, ओ छा जा। मेरे भी ऐसे बोल है चंचल,
तेरे भी ऐसे बोल है चंचल ना टूटे संसार मेरी चाल तिहारी ढंग नशीला सीखे रे चाल से मेरी चाल तिहारी ढंग नशीला सीखे रे तो ही नहीं गोरी देख हवा पी जैसे चले भंग पीके रे क्या हुआ मौसम गायर पवन झूमे रे बादल गायर पवन झूमे रे बादल ना टूटे संसार मैं बजाऊं झूम के मादल मैं जो बांधूं पग में पायल नाच के संसार सुन तू तो बहुत अच्छा नाचती है तू भी बहुत अच्छा गाता है और मादल कैसे बजाता हूँ मोरे भैया से अच्छा नहीं वो करेगा मुखालबा कर्मा पर मेरे गांव आना तब देखेंगे अरे सुन आपका है कौन सा गांव है जरा शक्करहट्टू वो टीले के पीछे अरे सुन जरा सुन शक्करहट्टू में तेरी बाड़ी कहाँ है मैं तो बेदराज का नाम पूछ लेना अब मैं जाऊं सुन मैथु तेरा कौन है कोई पूछे किसे मिलने आया है तो कहा बताऊं कुछ भी कुछ भी तो बता दूं अपनी जनिया से मिलने आया हूँ नाम तो बता दे ननकी अच्छा चलो एक पहेली बुझाओ था ठाकुर बूढ़ा लाकू घर है तो द्वार नहीं बोलो का अन्ना और का बराबर अच्छा अब फिर बता अब तो एक शर्त है भाई क्या शर्त है भाई इसकी पहेली हम बुझाए तो इसको हमारे घर रहना पड़ेगा चल हट का
सर्फ मंजर कर ले। अबे कल्लू, तू बड़ा स्याना बनता है हा? अच्छा मैं पूछती हूँ, तू बुझा। अरे तुझे बता के क्या मिलेगा, तू तो पहले से ही फंसी है। अच्छा अच्छा देख, तू जीत जा तो मैं उसे छोड़, और अगर तू हार जाए तो तेरी मूंछें मुंडवा के मुंह ताला करके गधे पे बैठा दूंगी, क्यों ठीक है ना? अच्छा तो बोल, मंजूर है? अरे मंजूर है। अरे फिर सोच ले कल्लू। सोच लिया हमने। अच्छा तो बता, उड़ता पंछी नाव उसके सर पर पाँव, बोल। उड़ता पंछी नाव उसके सर पे पाँव। बता बता बता, मुझे तो घर में बिठाना है ना। उड़ता पंछी नाव उसके सर पर पाँव। बूझ गई साले के, उल्टे उस तरह से मुड़ेगी। उड़ता पंछी नाव उसके सर पर पाँव। अरे अब तो गधे पे बैठना पड़ेगा। अरे बुद्धू, चिड़िया है चिड़िया, सर पर और पाँव। हार गया हार गया। अरे भाई आज नाच नहीं होगा, कर्मू घर में नहीं है। कर्मू घर पर नहीं है, कहाँ गया होगा? अरे गया होगा कहीं, चलो चलो उठो, मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या सवेरा नहीं होगी? हाँ यार बहुत देर हो गई। अरे तू नाचेगी नहीं? सीटी मार के बुला लेंगे। फायदा क्या रे? कौन मारते? कौन है? कौन हो तुम लोग? मेहमान हैं, रास्ता भूल गए। कहाँ से आ रहे हो? अटूक गांव से। यहाँ कैसे आए? जी हम लोग और मांझी जा रहे हैं। और मांझी? तुम तो उल्टा आ गए। उल्टे आ गए तो हम सीधे वापस जाते हैं। चलो करो। ठहरो ठहरो, इस अंधेरिया रात में कहाँ जाओगे? चलो आज रात यहीं आश्रम कर लो। यहाँ इस गलियारे में? अरे नहीं, मेरी बाड़ी में। नहीं नहीं रहने दो, तुमको तकलीफ होगी, हमें रास्ता बता दो, हम चले जाएं। मुझे क्या तकलीफ होगी? अरे तू जाता है जा, हम तो यहीं रहेंगे। दादा कुछ भात वात तो खिलाओगे ना? अरे मेहमान को रात भर भूखा सुलाऊंगा। आओ चलो आओ, चलो चलो। अरे आना चल, आ जाओ, भात मिलेगा, आ जाओ बैठो। अरे इधर नहीं भाई, इधर इधर, ये टूटी पड़ी, आओ बैठो। बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, और मांझी मुझे भी जाना है, तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। आप भी और मांझी जाएंगे? एक रोगी को देखना है, अभी अभी आदमी बुलाने आया था। अभी कुटुब गांव के रहने वाले हो, और मैं तो बैदराज का नाम नहीं सुना। बैदराज जी, अब तो आप बाहर कैसे जा सकते हैं? घर बैठे रोगी को छोड़कर बाहर जाना ठीक बात नहीं। अरे लेकिन यहाँ रोगी कहाँ है? ये पागल हो गया, इसी को ठीक कराने और मांझी ला रहा था। सुना है वहाँ बहुत बड़े बेतकीन हैं। अरे इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई वैद्य नहीं है, और वो मांझी वाला वैद्य चूहा के समान है मेरे सामने। चूहा के चूहा, चूहे ने मारा पंजा, पंजे से निकला गंजा, गंजे ने खाया पान। तू आना मेरी जान, तू आना मेरी जान। तू क्या कर रहा है? तू क्या देखता है? क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। जब तुम लोग आए थे तो ये बिल्कुल ठीक था, एक बैठे थे, क्या हो गया? बस अचानक ही दौरा पड़ता है बैदराज जी, अब तो आप कुछ ही कर सकते हैं। बस तुम घबराओ नहीं, सुबह होने दो, आंख और जबान देख लूं, फिर ये मेरे काम में। किसी कुछ मत दो, इधर इधर लाओ, इधर लाओ, इधर। हाँ ये, और ये लो
मैं खा लेता हूँ और तुम जाओ, चली जाओ, चली जाओ, अरे तू इस जगह मांस तब तक निकल जाएगी मेरी जान। अरे क्यूरी, क्या सचमुच तेरा चहेता पागल हो गया है? अरे वो अच्छा ही कब था, पहले से ही आधा पागल है, फिर भी तू उसे जाती है? अरे काबू में रहेगा, ज्यादा अकलमंद क्या काम का, हर हमेशा अपनी ही जलाएगा। ओहो, अभी तक किसी के घर बैठे भी नहीं और आगे से काबू करने की फिक्र। अरे बुद्धू, जो कुछ होता है पहले से ही होता है। देख नंकी, मेरा कहा मान तो तू भी उस मांदल वाले को ऐसा चरित्र दिखा कि तेरे सामने बुद्धू ही बन जाए, जवानी की कसम सुखी हो जाएगी। वो तो मैंने बाजार में ही दिखा दिया जब वो भागा भागा यहाँ आया है। आए हरे मेरी जादूगरनी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, तू यही सो जाना मेरे पास। नहीं, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी, तो जा उस पागल के पास सो जा। तेरे लिए यहाँ आया था। बापू जान ले तो तुझे खाद बनवा के फेंकवा दे खेत में। अच्छा ही तो है, मैं तेरे खेत की माटी में मिल जाऊंगा, फिर जब तू उस पे नाचेगी ना तो मेरी माटी तेरे पांव चूमा करेगी। क्यों रे, दोपहर में तो दो मूलियां नहीं निकली तेरे दिल से, अब जान कैसे देने लगा? तब तू मन में नहीं समाई थी, तेरे पायल की झनकार नहीं सुनी थी, तेरे मत वाले नैन की धार नहीं देखी थी। मेरे नैन तलवार है क्या रे? नहीं 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 नहीं, तलवार भूल से कह दिया था, वो तो कमल है, कमल, जादू के कमल। विधाता ने एक गुलाबी कमल के ऊपर दो नील कमल उगा दिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा लगता है दो भावरे डोल रहे हैं एक कमल पर। बड़ा बात तो नहीं है रे तू? पहले पहल सुनाने का मौका मिला ना, इसलिए जब तू मेरे घर आएगी ना तब ऐसी बातें नहीं कहूंगा। क्यों? तुझे देखने से फुर्सत जो नहीं मिलेगी। चल हट। अरे भोर हो गई है, मैं जाती हूँ। अरे नहीं, अभी तो रात बहुत बाकी है, मुर्गा मकर चांदनी से धोखा खा गया है। चल तो मुझे पागल बनाता है। अरे जाने देना मुझे, नहीं तो बापू मेरा बड़ा जुल्मी है। अरे तेरा बापू जुल्मी है तो हम भी अपनी जान दे देंगे। जाने दे। ननकी, तू धुमकुरिया में नहीं सोती रे? नहीं सोनी देता बापू किसी को, छोरी छोरों को मिलने नहीं देता अकेले में। पर मुझे नहीं रोक सकेगा, मैं तो तुझे रोज मिलने आऊंगा। हाँ?
कैसे? तो आजा गोद में, चढ़ा देता हूँ। बड़ा चला कह रहे तू। तू जा चढ़ जा। अच्छा मजा आ रहा। संभाल सकेगा? गिरेगा तो नहीं? अरे चिंता क्यों करती है, अपना बोझ मेरे कंधों पर रखकर तो देख। मैं बहुत भारी हूँ। क्या फूल क्या उसका भार। दिन को पागलपन, भात मिलेगा खाने को, मैं तुझे भी खिलाऊंगा। पागल आएगा, अब तो सोचा तू पागल है। अरे हाँ, पागल। रात भर आराम किया ना? हाँ हाँ हाँ। अभी तक सो रहा है? ए, आप बोलो। इधर जीभ निकालो। निकाल जीभ। जीभ निकालो। ये तो सचमुच ही पागल। जब तक शंकर महाराज की कृपा इस पर नहीं होगी ये ठीक नहीं हो सकता। शंकर जी को प्रसाद चढ़ाना होगा। नहीं, शंकर महाराज के प्यारे नागराज से दसवाना पड़ेगा। अरे डबला। हाँ बापू। लो कटारी लो। लाया बापू। जय शंकर भोलेनाथ, अब तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे डर है ये दस लेगा, आप इसे रोक लीजिए ना। अब ये रुक नहीं सकता, इस पार या उस पार। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं अच्छा हो गया हूं, मैं अच्छा हो गया हूं, मैं अच्छा हूँ। बैदा जी मैं अच्छा हूँ। चुप क्यों है? बैद जी को बोलना कि मैं पागल नहीं हूँ। बैदा जी अभी ठीक हो गया, पागल नहीं है। नाक को ढाक दीजिए, नाक को ढाक दीजिए। जल्दी खोलना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जल्दी खोल, जल्दी खोल। भाग गए? डर गया बेचारा। कुछ कसर रह गई होगी तो फिर ले आऊंगा। अच्छा चलता हूँ, आपको बहुत तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, रोगी की सेवा करना तो वैद्य का धर्म है। राम राम। अच्छा राम राम। ये तो बता, जब उसने तुझे पहली बार छाती से लगाया तो कैसे लगा? पहले तू बता। पहले मैंने पूछा है, तू बता। बताओ। बता ना। मुझे शर्म आती है। ये ले, बचपन की सहेली से बताते हुए शर्म आती है और अनजाने मर्द की छाती से लपटते हुए शर्म नहीं आई? तो तू क्यों शर्माती है, पहले तू ही बता। अच्छा मैं बताती हूँ। तो सुन, अपनी पागल की बाहों में मुझे ऐसे लगा जैसे अकेले जंगल में भालू ने दबोच लिया हो। अच्छा चल तू बता। बता ना तुझे कैसे लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे फले फूले सखुए के पेड़ ने अपनी लंबी लंबी डालियां मेरी कमर के आसपास फैलाकर।
जीना तेरे संग मरना, अब रूठे या जग छूटे हमको क्या करना। तेरे संग जीना तेरे संग मरना, तेरे संग जीना तेरे संग मरना, अब रूठे या जग छूटे हमको क्या करना। तेरे संग जीना तेरे संग मरना।
आज कर्मा है ना? हाँ तो? कर्मा की रात मेरा जन्म हुआ था, तभी मुझे कर्मू कहते हैं। अच्छा फिर? कर्मा की रात मेरे जीवन में बहुत बड़ी रात है। तो कहना क्या चाहता है, बोलना। तूने आज संग मरने का वादा किया है ना? वो तो गीत के बोल थे। हाँ? तेरा वचन नहीं था? ना होए तो? जब संग जीना नहीं तो मरेगी क्या? क्यों, मैं तेरे संग नहीं हूं क्या? ये कोई संग होना हुआ, दूर दूर बैठी एक... तो फिर क्या करूं? तो मेरे पास आ जा कि हम दो तन एक हो जाए, जैसे शिव पार्वती एक हो गए। अरे ये तो क्या करता है, तू तो बड़ा पापी है रे। दो प्रेमियों में तन मन से मिलना पाप नहीं है ननकी। तू मेरे जीवन में ऐसे समा जा जैसे पानी में शक्कर मिल जाती है, एक रंग एक रस एक मजा। कोई देख लेगा तो देखा करे, जिसके मिलने की आस में एक जीवन बिता दिया, अब उसे पाकर छोड़ सकता हूँ क्या? बोल, उसे छोड़ सकता हूँ क्या? कर्मा ननकी, जब मैं मैया से कहता था कि मेरे सपनों में एक अप्सरा है, तो मैया मेरी हंसी उड़ाया करती थी। और मैंने मिलती तो मेरा जीवन सूखा रहता। और न मिली तो? ऐसा ना बोल ननकी, सपनों की दुनिया से निकलकर तू मेरे जीवन में आई है, अब जीवन और सपनों को उजाड़ने की बात ना कर ननकी। बोलेगी भी कर्मा, कर्मा तू बड़ा सुंदर है, गुस्सा करता है ना तो और भी सुंदर लगता है। तू इतना सुंदर क्यों है रे? तूने नहार मुंह अड़िया पी लिए? क्या करूं, तूने बड़ा दिल जलाया ना, इसलिए नशा किया, इसे बात करेगा। अच्छा अच्छा तू बैठ, दोपहरिया में बात करेंगे। ना 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 ना, दोपहरिया में नहीं, अभी। ये हाल आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे बता, तू मुझे इतना सुंदर क्यों लगता है? तुझे देखे मेरे भीतर आग काहे भड़क जाती है। तू तो पागल हो गई सोमा। पागल बनाए है तू, तेरे प्रेम ने कर लिया। तू ये प्रेम काहे नहीं करता मुझसे? करता तो हूँ। सच? हाँ। चिट्टा कहीं का धोखा देता है, शुक्र हटू की चुकड़िया के पीछे भागता और कहता कि मुझसे प्रेम करता है। हाँ कर्मू, तू पहले मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? हाँ क्या पूछती है तू? काहे इतना सुंदर, इतना कठोर दिल, दर्द दिन बोल बोलना। तू मेरा सुंदर कर्मो, मेरा सुंदर कर्मो। क्या करती है सोमा? मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरा कर्मो है। हाँ। कोई भवानी पीटी तेरी और नहीं देख सकती। देख, मनसा माता का डोरा लाई हूँ, इस पर कोई जादू नहीं चलेगा। चल बाठा। ये कर्मो, तू लगन कर लेना मेरे साथ। अरे गांव वाले जुर्माना कर देंगे। फेंक दूंगी 5 रुपया मुखिया के मुंह पे। नहीं नहीं, मैं अपने वंश का नाम खराब नहीं कर सकता, गांव के लोग नाराज हो जाएंगे। तो चल गांव छोड़ दें, शहर भाग चलें। और मैया को? मैया को भी साथ ले चलेंगे। तेरे लिए कर्मो, मैं सारे गांव वालों को ठेंगा दिखा दूंगी। नहीं नहीं सोमा,
ऐसा नहीं हो सकता, गांव कैसे छोड़ूं? देख कर्मा, मेरा और कोई नहीं, तो मुझे ठुकरा देगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी कर्मा। चोला, तू समझती क्यों नहीं? मैं तू साफ क्यों नहीं कह देता है? तेरे मन में कोई और बसा है? अरे सोमा, सुन। अब सुनने को कह रहा? ऐसे नहीं, गोतर गांव में ब्याह करके मैं पंचायत के सामने सजा भुगतने के लिए खड़ा हो जाऊं तो बापू का नाम खराब नहीं होगा? लोग ये नहीं कहेंगे कि गांव की बहन से शादी कर ली? और सोमा तो बिल्कुल बेशर्म हो गई है, आज आपसे मुझ पर गिर रही थी, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। अनाथ छोकरी, पापी जमानी और बिखरी नदी पर बंध नहीं बांधे जाते बावरे। आज तो उसने गजब कर दिया, भूखी शेरनी की जैसे मुझ पर झपट रही थी, मैंने लाख समझा है, लेकिन पंजा मारने पर तुली हुई थी, तब जाके मैंने उसे धुतकारा। मगर उसने आज ही ऐसा क्यों किया? तुझे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं, मैं सोमा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ सिवा ब्याह के, और उसे तो मेरा दूसरी लड़की को देखना भी पसंद नहीं, इसी बात पर झिल्ला कर वो गाँव से चली गई। राम ओहत रहते। अरे हम तो हाँ राम राम कहे थन। हमका कौन हो तू? अरे तू आर से हट, मेहमान पोझा लदे खड़ा है और तू पूछत है कौन है? अरे मेहमान है के पहलवान है जो चला चला आवत है, आखर है कौन तू? मैं तीर्थू का बाप हूँ। तीर्थू? कौन तीर्थू? तीर्थू मेरा बेटा, तेरी बेटी का प्यारा। मैंने उस उल्लू के पट्टे को बहुत समझाया कि तू जवान है, हट्टा कट्टा है, प्यारी करना है तो किसी बढ़िया सी लड़की से प्यार कर, मगर वो कहने लगा बापू दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है, अब उस गधी को ही बहू बनाना पड़ेगा। तो तेरा बेटा मेरी बेटी से ब्याह करेगा, कितना रुपया देगा तू? रुपया जितना मेरे पास होगा सब दे दूंगा। और मिठाई? जितनी बाजार में मिलेगी सब ला दूंगा। जेवर? जितने फूल उस दिन फूलेंगे सबके बनवा दूंगा। अच्छा कपड़ा? जितना तेरी लड़की पहनेगी पहना दूंगा। ए मित्तल के बाबू, इस तीर्थू के बाप से कह दो कि हम तो अपनी बिटिया की शादी उसी से करेंगे जो एक महीना अपने कंधे पर हल रखकर हमारे खेत में चलाएगा। सुन, ये भी कोई शर्त हुई? मेरा बेटा कोई भैंसा है क्या? नहीं है तो बनना पड़ेगा, वरना ये शादी नहीं होगी। नहीं होगी? अरे नहीं होगी ना सही, लाओ मेरा मंगनी का सामान। ले ले जा, ले उल्टा लाओ, लाओ मेरी मुर्गी। अरे ले जा, ले जा, ले जा, लाओ ले जा। क्या हो गया? अबे एक का दाढ़ी, अबे वो फ्रेंड की औलाद हमका दगा दे क्या? अरे मित्तल लाना रस्सी, अभी तू ठीक करी। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मुझे छोड़ दो, हाँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, हाँ। इसलिए मैं अपना बाप खुद बन के आया था, हाँ। मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। अरे कैसे जाई? अरे जल्दी रस्सी ला, भी तुम्हें ठीक करी। एक बरस तो तुझे हल चलाई बेका पड़ी। बांधो, मुझे छोड़ दो, मुझे समझो। Thank you.
जनिया लागे ना जिया तेरे बिना गलियों में चौबारों में हो बन के चंदनिया आ जा रे चुप चुप के मिलन कब तक अंधियारों में हो वाला मैं सजनी का कहो रे भला कैसे ये दर छूटे ओ मत वाला मैं सजनी का कहो रे भला कैसे ये दर छूटे कौन तेरी चुनरी का न छूटे चाहे सारा नगर छूटे आफत है दिल की लगी मस्त पवन का ये झोंका रुकता है कहीं घिर के दीवारों में हो ओ आ आ ओ दिल जनिया कांटों पे चल पड़ा रे तुझे भी प्यार अपना निभाना होगा ओ मैं तो कांटों पे चल पड़ा रे तुझे भी प्यार अपना निभाना होगा जनिया दिल तलक मेरे निकल कर आंगन से आना होगा फिर नाचे दुनिया मेरी वही घुंघरू बांध के आज या डोले मेरा जिनकी झनकारों में हो ओ आ आ ओ दिल जनिया लागे ना जिया तेरे बिना गलियों में चौबारों में हो की कोठे से उतर आई यहाँ कोई और होता तो तेरी पुकार सुने बिना नहीं आई हूँ अरे मेरी आवाज तेरे कोठे तक पहुंच जाती है मन में गूंजने लगती है ऐसा लगता है जैसे कोई मन के भीतर होले होले चल रहा है जैसे कोई हाथ पकड़कर घसीट रहा है कहता है चल 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 कर्मों के पास चल है ना अरे मेरी नंकी मुझे भी दिन भर ऐसा ही लगता है जैसे मेरे खेतों में तू घूम रही है तेरे पैर झनका मेरे कानों में गूंजने लगती है फिर कुछ भी करने को जी नहीं चाहता बस जी चाहता है कि चल 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 नंकी के पास है ना ये ऐसा क्यों होता है तू मेरा कौन लगता है अपने मन से तो पूछ मन से क्या पूछूं मन तो कहता है क्या कहता है कहता है क्या कहता है मैं बताऊं
लगता है कि अब धर्मु और नन के दो प्राणी नहीं एक हैं, दो तन एक प्राण। चल, दो तन में एक प्राण कैसे होंगे? जैसे तू और मैं। सच? तेरे नैनों जैसा सच, मेरे प्यार जैसा सच, आज की रात जैसा सच। रात का क्या भरोसा, अभी एक पहर बीता और भोर होगी। नारी जात विश्वास ही नहीं करती। कर्मो, मुझे तो ये सब सपना लगता है। सपना भी सच्चा होता है, प्यार का सपना सच्चा होता है ननकी, मान ले मेरी बात। कर्मो। हलम हलम जलम समर्पयामि, सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो हर हर महादेव शंभु, बोलो भोलानाथ की जय। चल ननकी। आग पर नहीं रे। अरे डरती का है, साज गाज नहीं पहले ये अंगारे फूल बन जाए। चला। मेरे सत को परखना है क्या? तेरे नहीं, मेरे भी। चला। क्या हुआ? क्या करता है? प्यार। ये तो विश्वासघात है। तू तो बड़ी जुर्मी है रे, प्यासे के मुंह पे पानी लाकर हटा लेती है। कोई रास्ता चलते प्यास बुझाता है क्या? चल घर चल। चल तो रही हूँ। तेरे बापू के घर नहीं, मेरे घर, अपने घर। ये रास्ता मेरे बापू के घर जाता है, वहां से तेरे घर। बीच से काट कर चले तो? मैं तो वेद की बेटी ऐसे नहीं जाएगी, पहले सगाई कर बारात ला। अब कुछ कसर रह गई है क्या? ऐसे नहीं होता है, गांव वाले इसे लगन नहीं मानेंगे, उनकी रीत पूरी करनी होगी। तेरा बाबू ना माने तो? कैसे नहीं मानेगा, मान के साथ बात आएगी तो मैं भी मैया से कह के हां कहलवा दूंगी। हाथ मार के कहती है? कर्म, मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूं, अब मैं किसी का सपना भी नहीं देख सकती, पर बापू का मान भी तो रखना होगा ना। ये बात है तो तू चल, मैं भी मैया को लेकर आता हूं। ओ उतावला। और तू? बावली। जा। Thank you.
आ गई थी? बता कहाँ गई थी? चुप क्यों? बता कहाँ गई थी? बाबू की बच्ची कलंक ने, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं। क्या करते हो तुम्हारा? इसे मारकर क्या मिलेगा? मारना तो उसको चाहिए जिसने इसके ऊपर जादू डाला। अरे हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चौरी, ये गुण कहाँ से सीखा तूने? भरे बाजार में नाक कटाते फिर रही है। अरे ये हम लोगों का प्यार है जो ये सर पर चढ़ रही है। आज से देखता हूँ घर के बाहर कैसे जाती। अरे मैं तेरी कहाँ ये तोड़ डालूंगा। बबुआ, हाँ बाबू, ले जा इसे भंडारों में बंद कर दे। आज से आंगन भी देखना बंद। अच्छा, ले जा, ले जा इसे, नहीं तो गर्दन तोड़ डालूंगा। ले जा। कहीं तेरा पता नहीं, रात बिरात कहीं कुछ हो जाए तो मर गया। अरे मर गया तो मेरी जान छूट जाए। अरे भैया आजा दीदार कर ले भैया, मैं तो गया भैया, मर गया। तीन जगह चोट कैसे आई? छोटा सा कुंडा था, छोटा सा कुंडा था या बड़ी सी कुंडी, अब जैसे किया वैसा भुगत। अब मुझे जल्दी से उठा के ले चल, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। ऐसी बातें नहीं करते, चल उठाती हूँ। कैसे उठेगा मुझे बुढ़िया से? उठ जरा, जोर लगा। तो फिर क्यों मारा था? पाखंडी कहीं का मक्कर करता है। फिर तो गुस्सा काहे होती है? गुस्सा नहीं होगी, दिन ब दिन तेरे लक्षण खराब होते जा रहे हैं। क्या खराब होते जा रहे हैं मेरे लक्षण मैया? बोल। देख, मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ। करमुआ, जब से तेरा बाप मरा मैं तेरी माँ भी बनी, बाप भी। बड़ी कठिनाई से पाल पोस के तुझे बड़ा किया, इसी आश्रय पर कि तू बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा। पर तुझे जरा भी चिंता नहीं। तू क्या जाने मैया, इसी चिंता में तो रात रात भर घूमता हूँ। अरे ऐसी बहुरिया लाऊं कि तू ऐसे घूमने से बहुरिया मिल जाए तो बस। अरे मिल गई मैया, मिल गई। गांव गांव बाड़ी बाड़ी झांक के ऐसी छुकड़िया ढूंढी क्या। पर कौन है, कैसी है, घराना कैसा है? बहुत ऊंची, सब कुछ बहुत ऊंचा। नदिया पार सुखरटू गांव में मेथु घराने की अप्सरा है। अरे मैया ऐसी सुंदर है, ऐसी सुंदर है कि जिस कोने में बैठे चकर चकर करते, और इतनी फुर्तीली कि तुझे उठकर पानी पीने ना दे। उसका बाप बहुत बड़ा बैद, सबसे बड़ा बैद, इतना बड़ा बैद कि तुझे मरने नहीं देगा मैया। अरे तू मेरी बात छोड़, मैं इतना बहुत जी के भी क्या करूंगी। पर तूने इतना सब कुछ ताड़ लिया तो लगन की बात क्यों नहीं कर ली? अरे बात भी पक्की समझ मैया, बस तेरे जाने की देर है। तूने जाकर वहां बात की नहीं और वो तेरे पीछे विदा होकर आई नहीं, और पीछे पीछे बैदराज कलश उठाकर चले आएंगे। अरे मूर्खा कहीं का। देख मां, मैं फिर से मरने लगूंगा। बस बस मरने की बात नहीं, चल कुछ खा ले। नहीं मां, नहीं 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 नहीं, मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बस अब तुझसे करूं। चल ले, खा ले बेटा, ये तो बुरी बात है। एक तो गलती करती है, ऊपर से गुस्सा भी खाती है। बेटे मैं खिलाऊ, मुझे भूख नहीं है। आज तो क्या गया तुझे? कल तक तो तनिक देर होने से भाग भाग कहकर चिल्लाती थी। मैं खिलाऊंगी क्या? मैंने कह दिया मैं नहीं खाऊंगी, मुझे मर जाने दो, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। राम 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 राम। क्यों आई है? मैं कर्मू की माँ हूँ। अरे वो तो मालूम है, तू कर्मू की माँ है, लेकिन यहाँ लेने क्या आई है? मेरा बेटा तेरी बेटी की बहुत तारीफ करता था, मैंने सोचा चलो एक नजर मैं भी देखूं। क्यों, मेरी बेटी कोई कठपुतली का तमाशा है जिसका दिल चाहे आके देख ले? नहीं नहीं, तेरी बेटी को मैं अपनी बहू बनाना चाहती। अपनी हैसियत देखी है? माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर जाते हैं। हमारी तो सभी बेटियां 20 हल वालों के यहाँ ब्याही हुई है, तेरे पास 20 हल है? 20 हल? मेरे पास इतनी जमीन नहीं है,
सिर्फ एक हल की खेती होती है। तो फिर कौन सा मुंह लेकर मेरी बेटी मारने आई है? सुना था तेरी बेटी मेरे बेटे को बहुत ही पसंद करती है। हाँ, कल ये भी तू सुनेगी कि गांव भर की लड़कियां तेरे बेटे को पसंद करती है, सबको बहू बना के ले जा। अरे जा जा अपने बराबरी में देख, चल यहां से निकल, चल चली आई चल। और सुन, कुछ अनाज की जरूरत हो वो भी हम भेजवा देंगे। बड़े भाग है मेरे, तूने मेरी बड़ी खातिर। अरे चल वाली खातिर कर। मेरी बात सच निकली ना, ननकी इंद्रलोक की अप्सरा है ना, सुंदर। माँ तू बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं, तू घर चल। पहले तो बता माँ हुआ क्या? मैं कहती हूँ घर चल। चला है इंद्रलोक की अप्सरा ब्याहने, अपना मुंह भी देखा है तूने? उसकी सब बेटियां 20 साल वालों के घर ब्याही गई हैं। तेरे पास क्या धरा है कि तुझे अपनी बेटी दे? वो देगा, वो मेरी है और मेरी रहेगी, उसने मुझे वचन दिया है। अरे छोड़, बीते भर की छोकरी का वचन क्या, धान का पान पवन के साथ, कभी इधर डोले कभी उधर। ठीक है मैया, धान का पान ढोलता भर है, उड़कर घर नहीं बदलता, ननकी पर्वत जैसी अटल है। एक हिमालय तू और एक पर्वत हो, बीच में कितनी नदियां भागे इसका ध्यान ही नहीं। शायद तूने उसके पिता को ये नहीं बताया होगा कि तू मेरी माँ है। न बताती तो इतना अच्छा आदर होता कैसे, दरवाजे से दुपकार के बाहर कैसे निकलता, मन भर भात का दान कैसे देता। बस अब चुप रहा और उस चंडाल की छोकरी को भूल जा। नहीं, ये भूलने की बात नहीं है मैया रे, जिसने तेरी बेइज्जती की है मैं उसकी नाक काट कर रहूंगा। मैं अभी ननकी को उठा के लाता हूँ। करमू, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, चल मेरे साथ घर। नहीं माँ नहीं, अब मैं चैन से नहीं बैठ सकता, ननकी को तेरे चरणों में डाल कर रहूंगा। करमू, ओ दिल जनिया ओ दिल जनिया, मैं तो कांटों पे चल पड़ा रे, तुझे विचार अपना निभाना होगा। मैं तो कांटों पे चल पड़ा रे, तुझे भी प्यार अपना निभाना होगा। जनिया दिल तलक मेरे, निकल कर आंगन से आना होगा। फिर नाचे दुनिया मेरी, आ जा रे बापू देखे क्या था तुझे, मार डालेगा। हाँ नहीं ननकी, तू नहीं तो जीना किस काम का। आज या तो तू मेरे साथ जाएगी या मेरी लाश जाएगी। नहीं करमो, करमो आज तेरी लाश ही जाएगी। बापू, तू ननकी का बापू है। बराबर का होता तो बता। अरे मैं तो तेरे बराबर का हूं।
अरे 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 कर्मू, तू यहां क्या कर रहा है? चल आराम से आराम से आराम से। ओहो बड़ा भारी है। ओए होए क्या हुआ? प्रेम हुआ साहब, इसके मेम साहब के बाप ने इसे बहुत मारा है। ओ गॉश, सेम ओल्ड स्टोरी। तुम जंगली लोग आपस में बहुत लड़ते मारते। अरे इसको तो बहुत चोट लगा है। हाँ साहब, बहुत खून निकला है। देखो कोई नस भी नहीं। अच्छा तुम लोग इधर बैठो, हम अभी आते हैं। अच्छा आओ आराम से बैठ। अरे तुम लोग नीचे गाय को बैठे हैं, उधर बैठो ना। घबराओ नहीं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अरे साहब इसको ठंडा मत करो। क्यों, छोकरी के वास्ते मारा मारी किया? बड़े शर्म की बात है। अरे एक नहीं मिला दूसरा देखना। इसको तो एक ही छोकरी दिखाई देती है साहब। तुम लव करता है हैं? प्रेम तो फिर लड़ाई काय को करता है? उसके बापू को 20 साल वाला लड़का चाहिए साहब। इसमें मुश्किल का क्या बात है, हम तुमको 20 साल वाला बनाएगा? तुम देवता है साहब, कैसे बनाएगा? अरे कर्मू ये साहब लोग बड़े चमत्कारी होते हैं। बना दो साहब बना दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे। अरे मैन तुम जीसस भगवान से मेहरबानी मांगो, वो सब कुछ करने को सकता है मगर तुम लोग मेहनत नहीं करता है। करेगा साहब, मेहनत करेगा। नहीं करता है तुम लोग मेहनत। थोड़ा भात बनाता है नाश्ता है, भाजी बनाता है नाश्ता है, दारू पीता है नाश्ता है। तुम लोग भी मेम साहब के साथ खूब नाश्ता है। हम 8 क्लाक सख्त काम करता है, सुबह से शाम तक। तुमको जीसस भगवान ने इतना जमीन दिया, ताकत दिया, नदी दिया, मगर तुम लोग मेहनत नहीं करता। ये सारा जमीन ले लो और इसमें खेती करो। हम तुम्हें बताएगा गैस छोड़कर पानी गिराना, उसके बाद देखो तुम्हारी क्या हालत होता है। मेरे पास तो बहुत थोड़ी जमीन है साहब, फिर साहब मैं अकेला हूँ। कोई परवाह का बात नहीं, दूसरा मुंडा भाई को साथ में ले लो, उसका जमीन ले लो, मिलकर खेती करो और मुनाफा बांट लो। अरे साहब इतना करने को जाएगा तो ये ननकी से नहीं उसके छोकरे की छोकरी से शादी बनाएगा। हमको मालूम है तुम क्या समझता है, तुम कुछ नहीं करेगा। तुम शहर जाएगा, ठेकेदार के पास जाकर मरेगा, उसका काम करेगा, वो बड़ा आदमी बनेगा और तुमको ऐसा माफ रखेगा। साहब हमारे कर्म ही ऐसे हैं। कर्म वरम कुछ नहीं, तुम बिल्कुल मूर्ख है, तुम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हमको मालूम है। चल 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 कर। Thank you.
क्या हुआ बेटे? हाय कैसे लगी चोट बता ना, ये गज कराने गया था अपनी। बोल ना बेटे क्या हुआ? तो मत कर। हाँ? मैं अच्छा। अंधेरा न कर लाला, कुछ बुढ़िया के आंख पर तरस खा बेटा। तू तो ऐसा नहीं था बेटा, क्या कर दिया उस दाई ने तुझ पर, क्या कर दिया उस दाई ने तुझ पर? उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, तू चिंता मत कर। बेटा तेरे पास दिल है पर मां का दिल नहीं है बेटा, बुढ़िया माँ का दिल नहीं है तेरे पास। तू रो मत भैया। करमो अच्छा तू आराम कर, लेट जा बेटा। खतरे में हो उसे नींद कैसे आ सकती है बेटा? अरे ये सामान कहाँ बांध लिया रे? शहर जा रहा मैया, आशीर्वाद दे दे मैया। बड़ा जुल्मी हो गया है तू, आसरा तोड़ के आशीर्वाद मांगता है। देख मैया, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वहां जाए बिना जी नहीं मानेगा, और जाऊंगा तो वो लोग मुझे मार। अरे कैसे मार डालेंगे, मेरे होते हुए कोई आंख नहीं उठा सकता। क्या गांव का मुखिया मर गया है क्या? चल सामान रख दे। नहीं मैया, शहर में मुझे नौकरी मिल जाएगी, बहुत जल्द धन कमा के आ जाऊंगा। धन क्या होगा, दो प्राणी के लिए अपने घर में बहुत बात है। अब इससे पेट नहीं भरेगा मैया, अब तो जब तक द्वार पे 30 जोड़ बैल ना होंगे। तो ये क्यों नहीं कहता कि उस चंडालनी के बाप का शर्त पूरी करने जा रहा है? मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था, आयाना होगा तो दूसरे किसी का हो जा और मेरी कोख उजाड़ दे। ना ना मैया, ना, मैं तेरा हूं मैया, मैं तो तेरे और मेरे सुख के लिए जा रहा हूं। जी छोटा मत कर, आशीर्वाद दे दे।
मैं तेरे पांव पड़ता हूँ मैया, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। करनू, एक भाला मेरे कलेजे में ऐसा मार दे कि मैं सांस न ले सकूं, फिर तेरे जी में जहां भी आए चला जाए। अच्छा तू कहती तो नहीं जाता हूँ, पर ननकी के बिना मैं जी नहीं सकता मैया। हे मैया, जाने देना, मोटर छूट जाएगी। जा तो रहा है बेटा, पर इस देवड़ी को नहीं भूलना, तेरे बिना यहाँ अंधेरा रहेगा। मां मैं जरूर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। अरे कर्नू तू आ गया, मैं समझा कि तू नहीं आएगा। आजा आजा आजा। अरे कंडक्टर साहब, जरा मेरे यार को खिड़की के पास जगह देना। और मैं कहां बैठूं? हाँ? तू तू मेरे कलेजे में बैठ जा, मेरी आंख में बैठ जा, मेरे सर पे बैठ जा, लेकिन बस पे नहीं जाना। क्यों? तुझे सहले जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। ताकत नहीं थी तो फिर ब्याह करने क्यों आया था? तो तूने मुझसे ब्याह किया, अब आइए चिपकने के लिए ज्यों की तरह। हाँ हाँ, तू क्या समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगी, जहाँ तू वहाँ मैं। मेरे बापू से भी कह दिया है, बापू ने कहा है अगर वो सांड ना माने तो। हाँ हाँ, तो पंचायत में मुखिया के सामने 2 बकरी 5 मुर्गी 11 अंडे 2 पेड़े 1 अफीम का अंटा और 1 मंदिर में घंटा रख देना, लगन टूट जाएगी। लगन? हाँ। ड्राइवर साहब जरा जल्दी गाड़ी चलाना, मैं तो फंस गया। मैं चाहती हूँ मैया को राम राम कहना, परदा को भी और मित्रा को मेरी बहुत से गले लाना। अरे मुड़े छूट गई, राम राम सरकार। राम राम। मैं हूँ तीर्थु सरकार। फिर तू? फिर तू नहीं, तीर्थु सरकार। और ये रंगीली छबीली कौन है तेरे साथ? ये है मेरा जिगर जान दोस्त सरकार। अबे हटाए से, कहाँ चांद के सामने च, 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 चमगादड़ खड़ा कर दिया। अरे वाह वाह, मजा आ गया है यार देखने की। जी 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 ए, सरकार ये मेरी घर वाली है। कौन? हंटर वाली? हंटर वाली नहीं सरकार, घर वाली। ये चने इसी ने बनाए हैं। देखो, मैंने सोचा ऐसी मजेदार चीज पहले मुंशी जी को खिलाना चाहिए, ये बखत तो मुंशी जी के घोड़े पर बैठने का होता है। अबे कबूतर तो चना घोड़े के लिए लाया कि सवार के लिए? सरकार आजकल चना घोड़े को कहां नसीब होता है, अब तो ऐसे सवारी खाते हैं। जी खुश कर दिया है, मांग क्या मांग मांगता है? सरकार हम दोनों को मजूरी में भर्ती कर लीजिए। अबे तुम दोनों ही को, इसको नहीं? अबे गाय को छोड़कर कोई छड़ा खरीदता है? ये ना होगी तो तुम दोनों को रख कर क्या हो? गा। काम सरकार, काम करेंगे। तो फिर चल जल्दी इसको भी भर्ती करा, नहीं तो फिर नहीं नहीं नहीं। जैसी आपकी मर्जी सरकार, मैंने तो सोचा था कि इसका बोझा आपके ऊपर ना पड़े। अबे कबूतर, फूल डालने से कहीं सेज भरी होती है? जगन्नाथ, अबे ओ जगन्नाथ हुआ के बच्चे, इन तीनों को भर्ती कर लो अभी इसी वक्त, मेरा हुक्म है। हाँ ठहरो, होश में हूँ। थैंक यू। बड़े खुशकिस्मत हो बच्चू, वरना हम इस वक्त बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को भी भर्ती नहीं करते। चमगादड़ किधर से आ गया? जाओ जाओ। Thank you.
मैं ननकी काहे आई रे? तेरे बाप ने मेरे लिए दो सर अनाज भेजा है। अनाज नहीं लाई हूँ, तुमसे दो बकत का भात मांगने आई हूँ। मेरे यहाँ तो सिर्फ एक हर की खोती होती है, अब तू बड़े बाप की बेटी है, तेरा पेट यहाँ नहीं भरेगा। मेरा बाबू बड़ा है तो हुआ करे, मैं तो तेरे प्यार की भिखारी हूँ माँ। मेरे प्यार की भिखारी? अरे जिसने तुझे प्यार दिया उसका तूने हाथ पांव तोड़ा दिया, अब और क्या चाहती है? मेरे एकलौते को छोड़कर तेरे लिए दुनिया के सारे मर्द मर गए हैं क्या? हाँ, मेरे लिए तो कर्म छोड़ दूसरा आदमी दुनिया में है ही नहीं। हम दो शरीर एक प्राण है माँ, पर इस बात को कोई समझता ही नहीं। कैसे समझेगा, वो तुझे पाने के लिए मारा मारा फिर रहा है और तू अपने माँ बाप की छाया में मस्ती आ रही है। उस बेचारे को न जाने दो पखत का भात मिलता होगा या नहीं। अरे तूने मुझसे मेरे हल की मुठिया छीन ली। करमू शहर गया तो मैं और भी नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। मैं तेरी हल की मुठिया बनूंगी, मैं तेरी सेवा करूंगी। मैं यहाँ रहूंगी माँ तो कर्म भी यही लौट आएगा। चल चल, मैं तेरी बातों में नहीं आने की। जिसके कारण मेरा बेटा मुझसे छिन गया मैं उसकी छाया भी अपने दरवाजे पर नहीं पड़ने दूंगी। तू अपने माँ बाप की बड़ी लाडली है, निकल गया यहाँ से। उनके पास से तो मैं आ गई, अब तो जहाँ कर्म होगा वहीं रहूंगी मैं। चल क्या फोकट में आएगी, पैसे तो उठा, पैसे उठा जल्दी कर। आओरी मेहरबान, आओरी भगवान, किस्मत का राज देखो, किस्मत का साज देखो। कौड़ी के सब जहान में नक्शो नगीन है, बड़ी कौड़ी नहीं तो कौड़ी के सब तीर तीन है। हटो, हटो, जगह दो। भारत में किस्मत का राज है, किस्मत से पैदा हो और बिना मेहनत के लखपति बन जाओ। तेरे पास कितने रुपए? 1,00,000 रुपया। क्यों? 2,00,000 रुपया। 1,960 पैसे क्या करेगा? ये कहता है कि 1 रुपए के 5,00,000 मिलेंगे, तो 1,960 पैसे के कितने बनते हैं सोच ले। अरे ननकी का सारा खानदान उठ के चलाएगा, इतनी बड़ी रकम है। चल ले ले टिकट, चल चल आजा 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 आजा। अरे लॉटरी बाबू, 1,960 पैसे में कितने लाख मिलेंगे तनिक हिसाब करके बताना। अरे 95 लाख, 5 कम 16 लाख, गिनती आती है ना। देखा मैंने क्या कहा था? हमें एक टिकट दे दो। निकालो, माया निकालो। नहीं, 1,960 पैसे तो गिन लो। तुम्हारे पे भरोसा है नहीं? अरे गिनना क्या है साईं, ये लो 10 बंगाल, 5 बिहार, 2 मद्रास लो, 1 बॉम्बे और 1 पंजाब। ये लो बड़ी। बाबू साहब, अभी तो आप हमें 1 रुपए के 5 लाख दे रहे थे, अब ये बंगाल बिहार उड़ीसा मद्रास काहे के दे रहे हो? हमें रुपया चाहिए रुपया, बंगाल बिहार लेकर हम क्या करेंगे? अरे घबराता क्यों है साईं, ये लो 19 टिकट 5-5 लाख के, और ये लो बड़ी 60 पैसा 5 बीड़ी के लिए। तुम्हारी तकदीर कल खुल गई। कल? कल खुलेगी? अरे सुबह को खुलेगी नहीं, बक्सा लाना पैसा रखने के लिए और ताला चाबी लाना। नहीं ताला चाबी साईं, किस्मत खुल गई बड़ी। लाएंगे, लाएंगे। आओ बगैर किस्मत के जाओ और किस्मत वाले आओ, आओ बड़ी साईं। लक्ष्मी बाबू कहता है अब हमारी तकदीर खुल गई। अरे आप तकदीर खुलेगी तभी तो ननकी आएगी, तब तो मजा आ जाएगा। अरे बड़ा मजा आएगा। तुम्हारा बाप करेगा, सुबह हो गई अभी तक पांव सारे धो रहे हैं। क्या मजाक है? काम तुम्हारा बाप करेगा सालो? क्या वक्त है? देखो क्या टाइम है, देखो अंछी जाग गए। क्या जाग गए? अंछी यार, निकाल ले यार। थैंक यू। जानवर जाग गए, घोड़े गए, हाथी जाग गए, लेकिन आप लोग नहीं जागे, नहीं जागे ना। शाटा, काम तुम्हारा बाबा बाबा करेगा। अरे मोटे मुंशी, गाली देकर तेरी हड्डी पर टोपी, अबे टोपी नहीं, टोपी पहना के मारूंगा रे। अच्छा अबे मार मत, क्या कर रहा है तेरी सेवा? मार मत, मार मत, मार। अबे ओ अलादीन के चिराग, क्या है
फूंक दूंगा, फक हो जाएगा। अबे मट्टी का चराग नहीं है, बिजली का चराग है, बिजली का मोटे भैंसे, चल निकल यहाँ से, अपने घर से निकल जाओ। हमें मोले क्यों बुला 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 जगन्नाथ मालिक मालिक को ए लड़की, तू काम पर नहीं गई, काम पर तेरी माँ जाएगी। नहीं तेरा बाप जाएगा। तू जल्दी से पान खा के आ। हाँ भेजो जल्दी जा। शाबाश। ए मेरे लिए भी पान ले खादा। पान के बच्चे सुन, हमारे पास लाखन रुपया आने वाला है। कर मुंह दिखा ऐसे लॉटरी का टिकट। ये देखा, देख देखा ये। अबे कबूतरो, ये सिनेमा का टिकट है। किसका? सिनेमा यार। तोते, तेरी आंखें नहीं है क्या? क्या कहा? तो तोता इधर आ। भैंसा, भैंसा भी। ए चूहे, चूहा भी। गिरगट, 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 जगन्नाथ। पान खा के आ गई लगे। चल थूक यहाँ, थूक। ए मत थूक, मत थूक। भैंस भूखे मर जाएंगे, तेरा बाप भूखा मरेगा। अबे चल ले ले सामान, तू भी ले। हाँ चल चल। बड़ा मुंशी बना फिरता है, कल आना हमारे यहाँ, ऐसे 25-30 चाल दान में दे दूंगी। 25-30 चाल हाँ दे दो दे दो दे दो, बाप का माल है ना। कहा तो कुछ नहीं यार, तो तुम लोगों को थोड़ी बोला। किस्मत से पैदा हो, किस्मत से कमाओ, किस्मत से ही खाओ, और अगर किस्मत नहीं है तो मर जाओ। आओ एक रुपए की लॉटरी लो, और बगैर किसी लफड़े के बिना मेहनत ये लखपति बन जाओ। लॉटरी बाबू, चलो बनाओ उनको लखपति। करमू निकालते कस। अरे कौन सा चाहिए, महाराष्ट्र चाहिए, गुजरात चाहिए, सिंध चाहिए? अरे पहले के 5 कम 100 लाख दे, फिर मेरा हाथ लगने दे, तू तो पर्वती है। हेलो ना, अरे ये भी नहीं, अरे ये भी नहीं, अरे ये भी गोल, अरे ये भी गोल, अरे ये आखिरी भी नहीं आया। अरे नहीं नहीं क्या बकता है? अरे बकता ये है कि 19 में कोई भी नहीं आया। तो बड़े भैया फिर से देखो, शायद तुम्हारी नजर कमजोर मालूम होती है। अरे अक्ल तेरी कमजोर है, कह दिया ना 19 में कोई नहीं आया। ये ले माचिस दिखा दे और जा। अरे बम्बई ले लो, गुजरात ले लो। टिकट बेचते वक्त कहाँ कहा था माचिस दिखाने को, तब तो लाखों की बात करता था। अरे तेरी किस्मत में लाखों नहीं तो मैं क्या करूँ। चल फूट यहाँ से, ग्राहक का टाइम है, धंधे का टाइम है, आओ मेरे पास। अरे पहले 5 कम 100 लाख निकाल, तू आज को मारते। चलो भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो, बैठो चलो बैठो, आप भी चलिए, आप बस चलने वाली है। अच्छा अच्छा। अरे अरे ये क्या कर रही है, बस थोड़ी दूर तो है। थोड़ी दूर हो या ज्यादा, मैं नहीं जाऊंगी, तू उठा के चल। यार तीर्थु तूने तो परेशान कर दिया, अच्छा खासा काम चल रहा था। अरे काहे को जी हारता है, कल से और अच्छा काम मिल जाएगा, ज्यादा पैसे वाला। चलो 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 चलो। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, हरामी कहीं का परदेश में लाके मरवा दिया ना, और हंसता है। अरे मांदल की आवाज, मैं नहीं कहता था कि बस्ती नजदीक है। चलो 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 चलो, सामान उठा। तेरे तेरे मेरे प्यार का जमाना जाने। रुक 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 जा। कौन है तू? अरे बोलती क्यों नहीं? तू कौन है रे? अरे तू भर्ती के मुंशी को नहीं जानती? मैं किसी मुंशी मुंशी को नहीं जानती। अरे तू तो बिल्कुल मिर्च हो रही है। मैं कहता हूँ ऐसी अंधियारी में घर से भागी है क्या? तू कहे के ऐसा पूछता है रे? अरे छुकरिया ये जंगल का रास्ता है, यहाँ बाघ बहुत है और भालू तो जगह जगह लिपट जाते हैं। मैं किसी बाघ भालू से नहीं डरती। तू समझी नहीं, जनावर से ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। अगर रास्ते में कहीं ऐसे वैसे से भेंट हो गई तो मैं तेरे भले की कहता हूँ। शहर चलती है तो आप बैठ जा, यहाँ कहेंगी पहुँचा दूंगा। आ जा। तू कर्मों को जानता है? अरे एक कर्मों, 50 कर्मों को जानता हूँ, उनके बाप दादा समेत। मैं उटुप गाँव के कर्मों को पूछती हूँ। अरे हाँ हाँ, तू करुआ को पूछती है ना, वो मेरे पास रहता है रांची में। कसम खाकर बोल। तेरी कसम, बस
मेरी कसम क्यों खाता है? अच्छा बाबा, मेरी कसम मेरे बाप की कसम। कर्मू के पास पहुंचा देगा ना? तू पास को कहती है, मैं बगल में बिठा दूंगा। चला बैठ, बैठ ना। शाबाश, ठीक है ना? ठीक से बैठ गई ना? आराम से ना, ठीक है ना? बाली उम्र या मोरी सजनी की, अरे गोदिया में गेंदा बन जाइए, अरे गोदिया में गेंदा बन जाइए। अरे रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मैं क्या करूं? साइकिल रोको, मुझे लगे तेरे साथ नहीं चलना है। कर्मू का घाया गया। साइकिल रोको। अरे मत कर, मत कर, दोनों गिरेंगे। अरे बस मुझे उतार दे यहां। गिर जाके, मत कर, मत कर। हेलो, आगे मत बढ़। देखा, मैं कहती हूं आगे मत बढ़। अच्छा ले, नहीं बढ़ता, एक ना एक को तो आगे बढ़ना है। तू आ जा। ए ए, सर फूट जाएगा, सर फूट जाएगा। अच्छा बाबा, मैं लग जाएगा। बहाने आ जा। तू बड़ा निमोही है। तू पूछने भी आई थी जो मैं बताता? पूछने कहाँ जाती है? समझी होगी, अब तो बापू ने मार के जंगल में डाल दिया है, जनावर खा लेंगे कर्मू को, जंजाल कटेगा। तेरे झूठे, तू तो कहता था हम दो तन एक प्राण है, तू मर जाता तो मैं कैसे जीती? अरे प्रीति ने तो मरने नहीं दिया, नहीं तो आज तेरे ही हो जाती। चुप। मैं याद आता था। ना आता तो मैं यहाँ काहे को आती? तुम मेरे लिए आई है? फिर? मेरा पता कैसे मिला? तेरी बाड़ी गई थी। मैया बड़ी दुखी है कर्मू, तेरे बिना बावरी हो गई है, मुझे भगा दिया द्वार पर से। ये भी अच्छी रही, ना तेरे बापू के घर मेरा ठोर, ना मेरे घर तेरा ठिकाना। तो चल हम अपना स्वर्ग अलग बना लें, गुलाल जैसी धरती पर, चांदी जैसे नदी के पार, हरियाली जंगल के छैया में, एक सोने की बाड़ी। और उस बाड़ी में गाता कर्मू, नाचती ननकी, एक हंस एक मोरनी। मेरे पांव काले हैं क्या? वो देख बापू। चुपचाप खड़े रह, हिल मत यहां से। बापू! अरे कर्मू क्या हो गया, बहुत चोट आई है। अरे कलवा, अरे हरिश्मा, अरे जल्दी आओ, इधर आओ। अरे ओ गोरी ठनक ठनिया ठनक पूर वाली, ये घगरी भरकर कहाँ चली जाने मन।
तू? हाँ जानी मेरा नाम। अरे तू हमको अकेला छोड़कर शहर चली गई, तू ये नहीं जानती तेरे बाप तेरे दीवान पे क्या गुजरी जाने मन। ये बता शहर में क्या देखा, थिएटर देखा, सिनेमा देखा, दीवान का कोई फिल्म देखा है? ना दीवान बिल्कुल हमार जैसा सुंदर। तू तो लगता है बंदर। तूने कभी आरसी देखी है? आरसी तो अब साफ देखेंगे जाने मन। कल रात मेरे बापू ने तेरे बापू से बात कर ली। तेरे बापू ने कहा आपके चढ़े चांद तेरा और मेरा लग्न हो जाएगा, उसके बाद मैं तुझे शहर ले जाऊंगा और फिल्म दिखाऊंगा। तू हमारे नहीं, हम तो हार देवानंद और तू हमार जीनत अमान। कैसा लगा हमारा प्रेम नगर? आए कहां गई जाने मन? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। भाइयों और बहनों, आज आपने अपने एमजी महात्मा गांधी क्षमा कीजिए आरपी अस्पताल के वार्षिक उत्सव पर मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया है उसका मैं बहुत आभारी हूँ। वैसे मैं अस्पताल के विषय पर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर सिन्हा जी ने मुझे बताया है, याद दिलाया है कि मैं दिल का मरीज हूँ, इसलिए मैं आपका समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा। इसलिए आपके अस्पताल के एक रोगी करमू, हाँ करमू जी का भाषण सुनेंगे, भाषण सुनेंगे नहीं नहीं प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। करमू जी अब अच्छे हो गए हैं और मेरा आशीर्वाद है कि वो जिए हजारों साल और हर साल के दिन हूँ 50,000। जीने की तो दुआ सभी देते, मुझको जीने की तो दुआ सभी देते, दिल की दवा नहीं आता कोई लेके, लोग वाता है मुझे जहर नहीं देते, जख्मी जिया फिर कहाँ कहाँ लेके, मुझको जीने की तो दुआ सभी देते। अब ये मादल ये धुन ये तराना हो, अब ये मादल ये धुन ये तराना, मुझको लागे ना कुछ भी सुहाना, मुझको लागे ना कुछ भी सुहाना। मन बेगाना तो जग है बेगाना, और सजनिया बताइए दीवाना, जख्मी जिया फिरे जख्मी जिया है हाय, जख्मी जिया फिर कहाँ कहाँ लेते, लोगवा काहे मुझे जहर नहीं देते। सजनी बिन है नजर मेरी प्यासी हो, सजनी बिन है नजर मेरी प्यासी, उस दिन जाए ना जिया की उदासी, उस दिन जाए ना जिया की उदासी। अब ये जीवन गले की है फांसी, टूटे फंदा ना निकले रे जियारा, मर मर जीना मेरा
मर मर जीना है हाय मर मर जीना मेरा हाय कोई देखे लोगवा काहे मुझे जहर नहीं देते दिल की दवा नहीं आता कोई लेके मुझको जीने की तो दुआ सभी देते जख्मी जिया फिर कहाँ कहाँ लेके गाता है और बजाता भी खूब है चिन्ना जी आपके 26 जनवरी के आदिवासी प्रोग्राम में इन्हें दिल्ली क्यों न भेजा जाए हाँ हाँ क्यों नहीं सिन्हा साहब वैसे लड़की भी बहुत अच्छा नाचती है अरे भाई साहब ये छछुंदरी क्या नाचेगी नाच देखना है तो ननकी का देखो जब ननकी नाचे करमू का कमाल देखो जब करमू गाए ननकी का कमाल देखो ननकी कौन ननकी काहू कुमारी सरकार हम बिहार सरकार की तरफ से आए ओ सरकार की तरफ से आए अरे डबुआ जमींदार साहब के पास ले जा अरे नहीं नहीं भाई हम तुमसे मिलने आए हमारी ननकी की नाच की बात करने ओ सरकार हम तो बिल्कुल डर गए थे पहले क्यों नहीं बताया अच्छा तो सुनो हर साल 26 जनवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेला लगता है दिल्ली में मेला हाँ बाबू सरकार ये दिल्ली कहाँ है भारत की राजधानी ओ हाँ और हम सरकार की तरफ से तुम्हारी ननकी को न्योता देने आए अरे सरकार न्योता हम लोग जंगली आदमी ठहरे जंगल में गा बजा के हम लोग खुश हो जाते हैं भला इतने बड़े शहर में ननकी कैसे नाचेगी कैसे नाचेगी नाचेगी बापू ननकी अपना बहुत अच्छा नाचती हाँ और हमने भी उसकी बड़ी तारीफ सुनी है अच्छा हाँ और अगर तुम्हारी लड़की बहुत अच्छा नाची तो उसे बहुत सा इनाम मिलेगा देश विदेश में नाम हो जाएगा नाम होगा इनाम भी मिलेगा सरकार बिल्कुल तो ठीक है शहर इधर उधर देखेगी ननकी तो उसका माथा भी ठीक हो जाएगा हाँ और फिर मेरी बात भी सुनेगी तो चलो सरकार अभी चलो अरे अभी नहीं अरे ननकी अरे अरे भाई 20 तारीख को तुम सब पटना आ जाना धूल उड़ावे जलता गगन अगन बरसावे डर से पत्तियां टूट के गिर गई छाँव नहीं पंछी कित जाए रुत बसंत की जाने कहाँ है गली गली में रहा बुलाए कहीं से अब तो बोल दे सजनी गले में कांटे पड़ गए हैं आ अब तू आ जा बहुत दिन बीत गए आ जा आ अब तू आ जा बहुत दिन बीत गए आ जा प्यासे दिल पे प्यार की बरखा छम छम बरसा जा कसम से आ अब तू आ जा बहुत दिन बीत गए आ जा आ अब तू आ जा बहुत दिन बीत गए आ जा We'll be right back.
बहार बनके छाया, अब तो आया, बहुत दिन बीत गए आया, अब तो आया। छोड़ चुका मैं तुझे। चल उठ ननकी। चुप चुप।
पिया हो पिया पियो पियो लो बड़ा फर्स्ट क्लास। चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं? अरे डबुआ, अरे लो के दे भाई। चलो हड़िया तो बहुत बनाते हैं, लेकिन हमें ननकी के हाथ के हड़िया पियोगे तो स्वर्ग दिखाई दी। मेरे तेरे मजे ही मजे है। अरे तो भैया बुलाओ लड़की को। हाँ अरे भैया भी आती है, नदी किनारे गगरी भरने गई है। बेटी ननकी, इसी के साथ मैंने तेरी शादी तय की। गगरी दे दे बेटा, दे 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 ननकी, हम सब इसी में राजी हैं। मेरी बिटिया, वैसे बापू गुस्सा हो जाएगा। दे दो ना जी। घबराओ नहीं बेटे, शादी की बात सुनकर लड़कियां शर्मा ही जाती हैं, ऐसे दिल की बुरी नहीं है। हाँ दिल की बुरी नहीं है। ननकी, मेहमान का अपमान करके चली आई, ये अच्छा नहीं किया तुमने। तुम सब मिलकर मेरा गला क्यों नहीं घोंट देते? ना बेटी, जन्म देने वाले गला नहीं घोंटते, हम जो कुछ करते हैं तेरे भले के लिए करते हैं। जा उस लड़के से हाँ कर ले बेटे। नहीं, कभी हाँ नहीं कहूंगी। ननकी, नागवनी के खोज में नयन गवाने से क्या फायदा, हमारा मान भंग न कर, बाबू की नाक नीची हो जाएगी। बिटिया जा, फिर से गगरी भर ला और उसे दे। मगर मेरा ब्याह तो शिव पूजा की रात को हो चुका है, मैं अब किसी दूसरे की नहीं हो सकती। इस तरह खेल खेल में कहीं ब्याह हो जाता है? इतनी बड़ी होकर ऐसी नादानी की बातें करती है? लेकिन कान खोलकर सुन, तेरी शादी उसी लड़के के साथ होगी, नहीं तो मैं कर्मू के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। बाबू, कर्मू को काट भी डालेगा तो भी वही मेरा भी होगा। क्यों आया? मैं तो वेद क्या कर्मू का है आता। तेरी पीड़ा की दवाई मेरे पास नहीं। मेरी पीड़ा की दवाई ही नहीं, मेरे प्राण भी तेरे पास हैं। मैंने ननकी की सगाई कर दी है। ननकी का ब्याह मेरे साथ हो चुका है, उसकी सगाई कहीं नहीं हो सकती। साला मुझे छलने चला। तेरा ब्याह अगर उसके साथ हो जाता तो तू उसे छोड़ देता? तेरी इज्जत रखने के लिए उसे अपने साथ नहीं ले गया? नहीं तो देख कर्मू, मेरे से टक्कर ना ले। टक्कर कहाँ लेता हूँ, मैं तो नाता जोड़ने आया हूँ। नाता ये ले, अपनी जबान की कीमत 20 नहीं 40 हल के दाम है। मेरी जबान की कीमत लाया? चार ठो कागज का टुकड़ा कमा कर ले आया है तो इतना फर्रा ले जा तुम पर। मैं पूछती हूँ, मैं इस गांव में नहीं रहती, मेरा बेटा इस गांव का नहीं है, हम पर कैसे कैसे जुल्म हुए पर किसी ने हमारी खबर ली? मेरा बेटा हुटुब गांव के महतु बैद की बेटी के प्रेम में फंस गया, कोई नई बात तो नहीं है? हमारे समाज में नारी जात को अपना पति ढूंढने का अधिकार नहीं है क्या? बोलो, पर मातू अपनी बेटी क्यों रोकता है, कोई बोलता क्यों नहीं? अरे मौसी, पर कोई हमसे भी तो आके बोले। मैं क्या जानूं, तुम्हारे कान है पर आंखें नहीं, कोई कहे तब तुम सुनो, कोई अपना घाव दिखाए तब तुम समझो। सुनो, आज मैं अपना हक मांगने आई हूँ। मेरा बेटा महतू की बेटी से गंधर्व विवाह कर चुका है, लेकिन महतू अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार नहीं है। कान खोल कर सुन लो, आज तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कह देती हूँ। हाँ भैया, मैंने बेजी की एक एक शर्त पूरी कर दी। उन्होंने बड़ी संपत्ति मांगी, मैंने वो भी इकट्ठा कर ली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। हमें लड़कर अपनी बहू लाना पड़ेगी, तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, वरना चूड़ियां पहन के घर बैठो। आज मैं कर्मों की बहू लेकर आऊंगी, वरना अपनी जान दे दूंगी। ऐसी क्या बात है मौसी, गांव की हेटी हो जाए और हम जीते रहे। चल जहाँ कर्मों का पसीना बहाए वहाँ हम अपना खून बहा देंगे। भाइयों, ओ दिल जनिया, ओ दिल जनिया, तेरे बिना गलियों में चौबारों में हो आ।
अंधेरों में वो दिन के उजाले मिलेगा रे। इन बेचैन हाथों से वो प्यारी तेरा घूंघट उठेगा रे। रोकेगा कैसे कोई ओ, डाल के बाहों में अपनी ले जाऊंगा मैं गोरी तुझको हजारों में हो। मन की डगर पे तो है चमेलिया की डाली सी लचकाऊंगा। इन बाहों में भर के तो है बिजुरिया सी रह रह के चमकाऊंगा। है अब तो जी में यही ढूंढ के छैया तारों की मुख चूमू तेरा कहीं चल के बहारों में हो। बिना गलियों में चौबारों में हो बेटी ऐसे विदा नहीं होगी। अच्छा तो देख ले, करमू भी किसी नीच का बेटा नहीं है। अब तो ननकी को जीत कर ही ले जाऊंगा।
ये जीत गया, आज ये जीत गया। आओ बेटे,